हाय, दिस इज दीपक डोबियाल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा डॉट कॉम। कोमल तो अब चली गई, अब क्या बताएं, अब देखते हैं आगे क्या होती है। अगर आनंद जी को या लोगों ने बोला कि हाँ यार पप्पी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बोला है कि यार पप्पी की शादी रह गई है, तीन लोगों की शादी रह गई है, एक अवस्थी साहब की, एक चिंटू की और एक पप्पी की, तो कुछ मजाक भी कर रहे हैं कि अगली फिल्म में तीनों की शादी होनी चाहिए एक ही लड़की, तब मज़ा आएगा। तो ये है, ये पप्पी का यही था कि जो पिछली फिल्म में लोगों को पसंद आया, और मेरा यही है कि इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं काम करता हूँ पूरी जो है, जैसे मैडी भाई के साथ ही मेरी तीसरी फिल्म है, पहली 13 भी थी, फिर तनु वेड्स मनु थी, फिर ये तनु वेड्स मनु रिटर्न्स है। इस फिल्म से तो हम मतलब सगे भाई जैसे हो गए हैं, एंड उनका वो था कि उनका जो सपोर्ट था पूरा का पूरा, पूरा प्यार, वो हंसते थे तो और आपको और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलती थी कि यार हाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ को, तो वो तो खुश होते गए जो भी परफॉर्मेंस होती गई। तो हमारी जो ट्यूनिंग थी, एंड उन्होंने पूरा अपना वो कर रखा था कि हाँ पूरी छूट थी मुझे, जो भी आनंद जी और मैडी भाई ने, तो ऐसे कर करके पूरी इन्वॉल्वमेंट से, जब लोगों का अपनी टीम का सपोर्ट मिलता रहा, तो आप इन्वॉल्वमेंट से काम करते हो, शिद्दत से काम करते हो, तो वो परफॉर्मेंस जो है उसमें कुछ सच्चाई दिखती है पब्लिक को, जो ऑडियंस देखते हैं तो उसमें एक मासूमियत दिखती है जो एकदम से पब्लिक अपना लेती है। एज एन एक्टर मैं अगर देखूँ तो परफॉर्मेंस वाइज मैं खुद ही वो करूँगा, लेकिन जो मुझे पता है जो मेरी अचीवमेंट है इसमें, वो ये है सिर्फ मैंने मासूमियत रखी है इस किरदार की, जो पप्पी की मासूमियत है उसे 4 साल बाद फिर से बरकरार रखना, तो वो मैंने रखा है इसमें, और पब्लिक के प्यार से लगता है मैं थोड़ा सफल हुआ हूँ उसमें। कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने हैं कि वो सारे ही बेस्ट मिले हैं यार, क्या बताऊँ, मतलब पप्पी को ये फराज जी ने बोला है जो कि आई वांट टू अडॉप्ट दीपक डोबरियाल पप्पी, और कईयों ने ये बोला है कि यार अगली फिल्म में हमें पप्पी की शादी देखनी है, तो कोई नाम भी बता रहे हैं कि यार नाम हम बता देते हैं, पप्पी वेड्स पप्पी, लड़की का नाम भी पप्पी। तो मतलब ये सब चल रहा है, मतलब मुझे ये इस बात की खुशी है कि लोग खुश हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि आप 4 साल से कहाँ थे सब लोग, तो मैंने कहा यार दबंग के बाद मैं दिखा ही नहीं ज़्यादा, अब ये है इतना प्यार मिला है और इंडस्ट्री का इतना अच्छा रुझान मिल रहा है मुझे, तो लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है चीज़ों की, जो अभी अभी 2 दिन में मुझे 4-5 एड्स के ऑफर आ गए हैं, ये एक असर होता है जो भी है। तो पप्पी ने मतलब पप्पी के लिए मैंने जो शिद्दत दी है वो मुझे पे बैक कर रही है, मतलब वो वापस लौटा रही है। ओमकारा मेरा मतलब विशाल जी ने मुझे इंडस्ट्री में और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन जो लोग थे वो वेट कर रहे थे कि और क्या परफॉर्मेंस आएगा, तो और परफॉर्मेंस भी की मैंने, लेकिन वो लोगों तक उतनी पहुंची नहीं। मैंने शौर्य की, मैंने गुलाल की, दिल्ली सिक्स की, तीन थे भाई 1971 और नॉट अ लव स्टोरी, तो वो लोगों तक पहुंच नहीं थी उनकी, उनके जो वो थे डिस्ट्रीब्यूटर बोल लीजिए या प्रोड्यूसर्स बोल लीजिए, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जो पहुँचा नहीं पाए उन चीज़ों को। तो अगर वो पहुँचते अच्छे से तो और ज़्यादा नाम या यश मिलता थोड़ा सा। मेरी जो इंडस्ट्री में इमेज बनी है वो सीरियस रोल्स की वजह से बनी है, लेकिन तब मुझे लोग जानते नहीं थे, अब धीरे धीरे लोग जानने लग गए, दीपक डोबरियाल नाम है इसका मेरा, अभी तक लोग नहीं जानते, पप्पी के नाम से जानते, भाटी के नाम से जानते, रज्जू के नाम से, ममदू के, तो अभी जो सक्सेस मिलनी शुरू हो रही है वो कॉमेडी के थ्रू देख रहे हैं अभी लोग, तो लोग सोच रहे हैं कॉमेडी में इसका हाथ अच्छा है। अभी एक सीरियस आएगा जो मेरा जोन है, मेरा ग्रे कुछ शेड्स दिखाने का जोन है, कि कुछ यार अलग से कुछ डार्क जोन दिखाने का वो है, कि जो एज एन एक्टर आपको चैलेंजिंग लगता है कुछ चीज़ जो लोग सोच भी नहीं सकते आपके बारे में, तो लेकिन अब सोचें कैसे, जो आपको दिख रहा है वही मानेंगे वो लोग, तो आपको मनवाना पड़ेगा, और मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम का, राइट स्क्रिप्ट का, बहुत 4 साल वेट किया, 1-2 साल में आ जाएगी मुझे लग रहा है। मुझे बायोपिक्स बहुत पसंद है, अगर उस तरह का एक मिले, ताकि मतलब एक ऐसी फिल्म जिसमें आप उस कैरेक्टर की स्किन में रहो, उस कैरेक्टर की सांस में रहो, उस कैरेक्टर के वाकई में उस बिहेवियर में रहो, कि मतलब एक ड्रीम है मेरा कि अगर एक बायोपिक मिले तो मैं उसमें ऑडियंस मेरे पसीने को स्मेल करे। एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है यार, एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं एक ऐसा करना चाहता हूँ जो एक्टिंग नहीं वही है बॉस, आप किसी और की लाइफ देख रहे हो इस तरह का, तो बायोपिक में वो उस तरह का मेरे को करने का मन है, जिसमें मैं 4 महीने पहले से प्रिपरेशन में चला जाऊँ, और फिर वहाँ पर आपको वही बंदा मिलेगा और फ़ोन आए और बोलें कि जिम मिल गए, हाँ रेडी है, वो करने का मन है। कुछ रोमांटिक्स फिल्म करने का मन है, रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड कुछ हैं बहुत सारे, तो लेकिन देखते हैं कब आता है क्या होता है।